ओम शांति। 15 अगस्त 2020, बाबा के मधुर साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। वरदान, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। व्याख्या, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। ओम शांति।